माँ बाप का सम्मान करना सीख लो, राइज कर जाओगे तुम दुनिया में। और तुमने राह चलते किसी को चाटा मार दिया फालतू में, उसके भी आंसू गिरे, वो खा जाएंगे तुमको, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पर माँ बाप का सम्मान जरूर करो। कभी कभी कह दिया करो कि भगवान हो यार तुम लोग, 25 साल की उम्र में माँ बाप से कह रहे तुमने हमारे लिए किया क्या है। अरे भैया तुम्हारा पॉटी सुसु साफ किया है ये कम है, 1 महीना किसी दूसरे के खा के देखो, या तो बैल बना देगा या गधा, तुमको आशीर्वाद की ताकत ही नहीं पता। और ये जो मैं सिखा रहा हूं अगर तुमने इसको 5 साल कर लिया, अपने अपने धर्म ग्रंथों को सामने रखकर शपथ ले लें कि मैं योग करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं अपने विवेक का विकास करूंगा और अपने मैं अपने माँ बाप का सम्मान करूंगा। आज जो कपड़ा पहने हो ना वो तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ है, ये पैंट शर्ट अंडरवियर बनियाइन, ये जो खा रहे हो पिछले 20 साल से ये वही लोग खिला रहे हैं। 1 महीना किसी दूसरे के खा के देखो, या तो बैल बना देगा या गधा, इसलिए उनका पैर छो जाकर तुमको आशीर्वाद की ताकत ही नहीं पता। दुआ फोन करो उनको, फोन करो उनको, हाथ जोड़ो। मां बाप के सिवा जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ है वो अपने मतलब से, जो भी, ये बात आज या कल सबको दिखाई पड़ती है। 25 साल की उम्र में मां बाप से कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है। अरे भैया तुम्हारा पॉटी सुसु साफ किया है ये कम है, ये कम है क्या? खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया, कम है? तुम्हें 25 साल का कर दिया, कुछ करो यार, बदलो अपने आप को। और क्लास के बाद मां बाप को फोन करना है, अगर वो साथ में रहे तो तुरंत जाकर उनका पैर छूना है। मां बाप का सम्मान करना सीख लो, राइज कर जाओगे तुम दुनिया में। दुनिया में एक कौम है मां बाप जो तुमसे बिना इंटरेस्ट के तुम्हारे बारे में सोचते हैं और भाव से सोचते हैं। आज मैं इसका राज तुमको बता दूं कि मैं बार बार क्यों माँ बाप पे ध्यान दे रहा हूं, माता पिता पे, मैं क्यों इसको बार बार तुमसे कह रहा हूं। दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति है जो सब लोग नहीं जान पाते, वो है भाव की शक्ति, फीलिंग की। यह बहुत बड़ी पावर है। भजन है भाव के भूखे हैं भगवान, बहुत बड़ी। और हर माँ बाप अपने बच्चों से इसी से जुड़े होते हैं, भाव से। और यह शक्ति है बहुत बड़ी। भाव से किसी के लिए अगर कोई अच्छी चीज कही गई तो वो दुआ, और भाव से अगर किसी के लिए कुछ बुरी कही गई तो वो बद्दुआ, कर्ज। और दोनों असर करती है, वाइब्रेशन है सर, बहुत साइंटिफिक है सर, बहुत फील, बहुत स्ट्रांग चीज है, बहुत स्ट्रांग चीज है सर। किसी का बेटा बीमार है, तुम्हारे पास 100 रुपया पड़ा, तुमने दे दिया। हर आदमी के पास तो उतना है नहीं कि सबको कुछ दे दे, तो जो आंसू गिरे ना उसके खुशी में दवा लाके, सर वो ताकत है सर, वो आपको कहां मदद करेगी आपको पता नहीं चलेगा सर। और तुमने राह चलते किसी को चांटा मार दिया फालतू में, उसके भी आंसू गिरे, वो खा जाएंगे तुमको। मैं बार बार क्यों कहता हूं मां बाप के बारे में, क्योंकि मां बाप का अपने बच्चों से संबंध भाव से होता है, और भाव एक शक्ति है सर, इट्स अ वाइब्रेशन इन द वर्ल्ड। ये चांद सूरज सितारे प्लैनेट सब इसी शक्ति से चल रहे हैं। तो जब तुम अपने मां बाप को सम्मान देते हो तो वो भाव उठता है उनका, वो तुमको दुआ देते हैं, एक ऐसी एनर्जी तुमको देते हैं जो तुम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि उसकी कितनी ताकत है। इसलिए मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, इसलिए अपने मां बाप को सम्मान दो। आज लोग क्यों परेशान है ज्यादा, कोई दुआ खरीदना चाहता ही नहीं। जैसे हम बच्चे हैं
तुम इमेजिन करके देखो, 4 साल का बच्चा, मां बाप विहीन, पाला ना उन्होंने हमें। तुम इमेजिन करो कि तुम 4 साल के थे, तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें छोड़ दिया, तो क्या हाल होता तुम्हारा? ठीक है, बहुत सारे मां बाप बहुत सारी बातों कभी कभी नहीं समझ पाते, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो ना। भाव की शक्ति को जीतने का नाम है दुआ, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, उसमें सम्मान देना होता है बस। सबसे मजेदार बात, पैसा देना ही नहीं है मां बाप के लिए, टीचर के लिए, शिक्षक के लिए। तुम्हारा टीचर कोई क्लास 10th 8th का मिल गया, तुम गए पैर छूले, गुरु जी आप नहीं होते तो हम कुछ ना कर पाते जिंदगी में। सीना उना खींचा, तुरंत अंदर किया, उसका लड़का अगर साथ में है तो उसकी तरफ भी देखा कि देखे कहीं तुम्हारे पुराने टीचर उचर मिल जाए, करे कूद के पैर छू लिया करो खटाक से। उतना ही वो कहे तो क्या जाता है कहने में, गुरु जी आप अपनी पत्नी से दिखाओ कि ये गुरु जी हैं, इन्होंने वो मंत्र बताया था वो वाला, उसी से तो मैं, चलो चलो पैर छू, इतने में खुश। मैं तो तुमसे गारंटी से कहता हूं, दिशा बदल लो, दुआ लेने लगो, ध्यान करने लगो, मां बाप का सम्मान करो, दुआ वहां से मिलेगी। और तुम दुआ की कीमत जानते ही नहीं हो। कुछ चीजें हैं जो हम जब तक नहीं जानते, दुआ एक बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी। अगर आपने अपने मां बाप को पैर छूना शुरू किया होगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने दिनचर्या में दिखाई पड़ता हो, पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती होगी। क्लास खत्म होने के बाद माता पिता का सब आशीर्वाद लेना बहुत बड़ी चीज है, आशीर्वाद। कुछ चीजें आपको पता ही नहीं है, छुपी है ना, हिडन है। इतनी बड़ी ताकत है आशीर्वाद, और वाइब्रेशन से निकलती है। आप समझते हो किसी को खुश रखने का क्या मतलब होता है, किसी को खुशी देने का क्या मतलब होता है? आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत। लेकिन चूंकि उस वो वाइब्रेशन छुपी हुई है, माता पिता ने आपको आईफोन दिया, आपको दिखाई पड़ गया, कुछ चीजें वो दिखाई नहीं पड़ रही है, डार्क मैटर यूनिवर्स में है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कुछ है जो बढ़ रहा है, पर वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, पता नहीं चल रहा है। ऐसे दुआ है, सुबह उठ के माँ बाप को कहते हो कि हाँ बाबूजी, हाँ बड़ा गोड़ लगी बाबूजी, पैर लगी बाबूजी, तुमको अच्छा लगता है। जिसको तुम प्यार करते हो अगर वो तुम्हें 4 दिन फोन ना करे तो तुम बेचैन नहीं होते हो? तो जो तुम्हें प्यार करते हैं, अपना जीवन लगा रहे हैं, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पर मां बाप का सम्मान जरूर करो, क्योंकि तो मां बाप के सम्मान के साथ शुरू होता है समाज का सम्मान, और समाज के साथ राष्ट्र, और राष्ट्र के साथ विश्व, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जागो भैया, उठो, जवानी है तुम्हारी 20 साल, और ये जो मैं सिखा रहा हूं अगर तुमने इसको 5 साल कर लिया, भगवान क्या करना है, मुझे योग करना है, क्या करना है, मुझे ध्यान करना है, क्या करना है, मुझे पढ़ाई करना है, और इन सब के साथ जो सबसे बड़ी चीज मुझे करनी है वो है माता पिता का सम्मान किसी भी कीमत पर। कैसा लगता होगा अब तुम्हारे माँ बाप को जब तुम उनको फोन करके सुबह सुबह प्रणाम करते होगे? कभी कभी कह दिया करो कि भगवान हो यार तुम लोग, और है ही जो भी तुमको बिना मतलब खिलाएगा काम लेगा। और माँ बाप का पैर छू लेना क्लास खत्म होने के बाद, 4 बजे मत उठाना कि चले गए पैर छूने, कभी कभी अति प्रेम भी खतरनाक हो जाता है। जब माँ बाप उठे तभी उनका पैर छूना, और छूना जरूर, और तुम्हारे साथ नहीं रहते तो उनको फोन करो, और देखो 1 महीने में तुम्हारे व्यक्तित्व में कितना बदलाव आता है, आशीर्वाद का खेल देखो।